नमस्कार दोस्तों, सरकार द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय कर बिल की सिफारिशें स्वीकार किए जाने पर प्रतिवर्ष 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच कमाने वाले लोगों को 10% आयकर देना पड़ सकता है। अभी तक 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आय के लिए 20% टैक्स देना पड़ता था। प्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार व्यक्तिगत आयकर स्लैब में थोड़ा परिवर्तन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावों में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय वालों के लिए व्यक्तिगत आयकर को कम करके 20% करना शामिल है। वर्तमान में व्यक्तिगत आय पर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की आय पर 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से अधिक की आय के लिए 30% कर लगाया जाता है। सूत्रों ने कहा है कि पैनल ने 5%, 10%, 20%, 30% और 35% के 5 टैक्स ब्रैकेट्स की सिफारिश की है, जो 5%, 20% और 30% की प्रचलित संरचना के आधार पर हैं। हालांकि 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को भुगतान किए गए करों पर छूट मिलेगी, जैसा कि 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित किया था। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों से 0 कर वसूला जाएगा। धन्यवाद।